नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाड़ा हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और देखते हैं रामविलास शर्मा जी और क्या बताते हैं हमें मध्यकालीन साहित्य के बारे में। तो इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे निबंध, और कौन किसके द्वारा रचित निबंध है, डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित निबंध। और रामविलास शर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा, संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका। ये निबंध अपन इस क्लास में देख रहे थे। ये आगे यूं बताते हैं कि भाई जो सामंतवादी व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। इस व्यवस्था ने महिलाओं को या स्त्रियों को चूल्हे चौके तक सीमित कर दिया था। उनका काम मात्र इतना रह गया था, उसके अलावा कहीं भी इनकी भूमिका नहीं थी, कहीं भी उनका सम्मान नहीं था। और जब ये मध्यकालीन साहित्य आया तो मध्यकालीन साहित्य में एक नारी जागरण का प्रतीक बनकर एक कवयित्री उभरी, जिसको अपन मीरा के नाम से जानते हैं। तो ये जो मध्यकालीन साहित्य है, इन्होंने ही इस चौके से निकालकर नारी को साहित्य के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया था। ये इसके सम्मान की सबसे बड़ी बात हो सकती है। मध्यकालीन साहित्य में ही ये कवयित्री हुई, और कवयित्री ऐसी हुई कि सर्व प्रसिद्ध हुई। तो इसलिए यहाँ की इस महिला ने इसका रूप धारण कर लिया, या यहाँ पर जगह बनाना शुरू कर दिया। तो ये एक अच्छी बात थी। हालांकि इस साहित्य में, मध्यकालीन साहित्य में जो संत लोग थे, उन्होंने नारियों को या महिलाओं को साधना में बाधक माना है, और साधना में बाधक मानते हुए और नारी की अवहेलना की है। परंतु यदि अपन इसी साहित्य में या मध्यकालीन साहित्य में अन्य कवियों की बात करें, अपन तुलसीदास की बात करें, अपन चंडीदास की बात करें, तो ये ऐसे कवि थे जिन्होंने नारियों की प्रशंसा की, साथ साथ नारियों के प्रति संवेदना भी प्रकट की। तो इन्होंने नारियों के प्रति संवेदना प्रकट की, नारियों का सम्मान किया, नारियों की साहित्य में भूमिका को महत्व दिया। तो ये बात नहीं है कि अकेला संत ही समाज ही इसमें था। हालांकि संत समाज ने यूं कहा कि भी साधना नहीं हो पाती, महिलाएं होती है तो इसलिए इन्होंने विरोध किया। परंतु अन्य जो भी कवि हुए थे, जितने भी कवि हुए थे, उन सब ने नारियों की महिमा का बखान किया था, नारियों की प्रशंसा की थी। इसके साथ साथ इस साहित्य में अपनों ने एक चीज और भी बताई थी कि तुलसीदास ले लो, चाहे कोई भी संत ले लो, सभी ने प्रेम व सौंदर्य की अभिव्यक्ति भी की थी, सौंदर्य की अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर आपके प्रश्न में जो पॉइंट बनते हैं, वो एक तो ये हो जाएगा नारियों की भूमिका, नहीं महिलाओं का स्थान, कि महिलाओं का स्थान क्या था। तो सामंती व्यवस्था में तो ये था, और मध्यकालीन साहित्य जैसे ही आया वहां पर ये आ गया। मीरा का आप उदाहरण देंगे, और उसके बाद आप ये कहेंगे कि तुलसीदास, चंडीदास, या अपन यूं कहें कि संत लोगों के अलावा अन्य जितने भी कवि हुए, साहित्यकार हुए, सबने महिलाओं के प्रति संवेदना प्रकट की, और महिलाओं के प्रति सौंदर्य व प्रेम की व्याख्या की, अभिव्यक्ति की। और प्रेम व सौंदर्य के बारे में अपन पहले भी बहुत लिख चुके हैं, इसके बारे में और भी बहुत लिखा जा चुका है, तो ये दूसरा पॉइंट भी बन सकता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं इस संबंध में आगे। अपन आगे इसमें क्या देख सकते हैं, देखिए अपन इसकी भाषा को देखें। तो देखिए भाषा के बारे में, हालांकि मैंने पहले बता दिया था आपको, भाषा के संबंध में मैंने मोटी मोटी बातें सारी बता दी थी, फिर भी मैं आपको बता देती हूं कि एक तो ये था कि
इन्होंने अरबी फारसी की जगह सामान्य भाषा का प्रयोग किया, तो इस वजह से भी जो सामान्य जनता थी उनके हितों की रक्षा हुई, उनको भी साहित्य में सम्मान मिला। दूसरी बात, इन्होंने साहित्य में जो भाषा थी वहां पर भाषा के रस को स्वीकार किया, शब्दों को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने शब्दों पर ध्यान नहीं दिया कि हम शब्द किस प्रकार के प्रयोग में लाते हैं। यदि शब्दों की बात करें तो कबीरदास जी तो खिचड़ी पर आ गए थे, कहीं गुजराती के शब्द थे, कहीं पंजाबी के शब्द थे, कहीं राजस्थानी के शब्द थे, तो उनकी शब्दावली तो बहुत अच्छी थी नहीं, परंतु उन्होंने क्या किया, रस को स्वीकार किया, उनके भाव बहुत उत्कृष्ट थे, इसीलिए आज भी अपन कबीरदास जी को प्रेम से याद करते हैं, सम्मान से याद करते हैं। हिंदी के कवि अपने आप को कबीरदास जी को अपने आप का पूर्वज मानते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने भाषा के संबंध में एक महत्वपूर्ण चीज थी, एक तो सामान्य जनता की भाषा लेकर आए थे और दूसरी बात इन्होंने भाषा के शब्दों को न स्वीकार करके रस को स्वीकार किया, इसीलिए तो भक्तिकालीन साहित्य इतना मधुर बन गया, इतना मादक बन गया। कहा जाता है ना कि यदि कहीं सत्य है, यदि कहीं सुंदर है, यदि कहीं शिवम है, तो वो यही है, और इसीलिए इसी के आधार पर, रस के आधार पर ही तो ये जो मध्यकालीन साहित्य भक्तिकाल है ये स्वर्ण काल की भूमिका तक पहुंच गया। तो यहां पर अपनों ने बात की भाषा की, इसके साथ साथ एक चीज और भी कही जा सकती है, संत साहित्य है वो जातीय चेतना का साहित्य है, जातीय चेतना का साहित्य है। इन्होंने जातिगत चेतना को उभारने का प्रयास किया, यानी जो निम्न वर्ग लोग थे उनको ये कहा, निम्न वर्ग के या निम्न जाति जो मानी जाती थी उस समय, उन लोगों को इन्होंने ललकार कर कहा कि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम किसी से निम्न नहीं हो। और वहां पर ये भी था कि भाई ये लोग प्रत्यक्ष विरोध नहीं कर पाते थे, तो इन्होंने क्या किया, उच्च लोगों का भी विरोध किया, उच्च लोगों को यूं कहा कि जो अपने आप को उच्च मानते हैं, जो पंडे मानते हैं, वो क्या करते हैं, तिलक लगाते हैं, ढोंग करते हैं, इस प्रकार से आडंबरवाद पर भी कबीरदास जी ने बहुत अधिक लिखा है। तो ये क्या था, जातीय चेतना का साहित्य था, यानी जातिगत जो भेदभाव हो रहा था उसको खत्म करके लोगों को चेतना में लाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि भी जाति पाति मनुष्य की बनाई हुई है, ईश्वर की नहीं बनाई हुई। इसीलिए तो दिल्ली दरबार के खिलाफ एक बार संघर्ष हुआ था, दिल्ली दरबार के खिलाफ है, अपना जो भारत का प्रशासन है वो दिल्ली दरबार से ही, हमारा सम्राट था, सम्राट राजाओं के राजा को कहते हैं, तो वो विभिन्न राजा थे, उनका उनके ऊपर का जो होता था वो दिल्ली बैठता था सम्राट, तो वहां से दिल्ली से हमारी पूरे भारत की शासन सत्ता संभाली जाती थी। तो दिल्ली दरबार के खिलाफ एक बार जातीय संघर्ष हुआ था, और उस संघर्ष में ये जो संत थे उनकी निकटता थी, या अपन यूं कहें कि संत लोगों का निकट संबंध उस संघर्ष में था, यानी ये भी इस संघर्ष में शामिल हुए थे कि वे जातिगत भेदभाव, जातिगत ऊंच नीचे है वो समाप्त की जानी चाहिए। यहां तक कि समर्थ गुरु रामदास जो संत हुए हैं, समर्थ गुरु रामदास इन्होंने तो इस संबंध में साहित्यों की रचना भी कर दी थी, इन्होंने तो इस जातीय चेतना को लेकर या जातीय संघर्ष से लेकर ग्रंथों की रचना भी कर दी थी। इन्होंने जो विभिन्न ग्रंथों की रचना की थी उनमें एक ग्रंथ तो आता है युद्ध कांड आता है और इसके साथ साथ सुंदर कांड भी आता है, जो इनकी जातीय चेतना के ग्रंथ कहे जा सकते हैं। युद्ध कांड और सुंदर कांड दोनों ही जातीय चेतना के ग्रंथ कहे जा सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने दो ग्रंथ और भी लिखे थे, जिनमें यदि अपन एक की बात करें तो वो था सैन्य संचालन, तो सैन्य संचालन पर भी इन्होंने एक ग्रंथ रचना कर दी थी, ग्रंथ की रचना की थी। और इसके साथ साथ इन्होंने एक किलेबंदी नामक रचना भी की थी। तो इस प्रकार से ये जो युद्ध कांड है, सुंदर कांड है या सैन्य संचालन, किलाबंदी, ये समर्थ गुरु रामदास की रचनाएं कही जा सकती है, तो आप इन चीजों को भी ध्यान रखेंगे। और समर्थ गुरु रामदास है
वो मराठी के संत थे, मराठी भाषा के थे। और मराठी भाषा के थे तो हमें ये भी मान सकते हैं कि भाई ये साहित्य किसी भी सीमा में बंधा हुआ नहीं था, इसकी कोई सीमा नहीं थी, ये चारों तरफ संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। तो गुरु रामदास जी ने युद्ध कांड, सुंदर कांड जैसे ग्रंथों की रचना कर, सैन्य संचालन, किलेबंदी जैसे ग्रंथों की रचना कर जातीय संघर्ष को और भी अधिक प्रबल बना दिया था। इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई इन्होंने भी जो ये किलेबंदी, सैन्य संचालन, ये वीर रसात्मक है, तो ये जो संत साहित्य था इसने भी जो वीर भावना का चित्रण किया, वीर रस का चित्रण किया, वो वीर रस इनके साहित्य में सामंती व्यवस्था का वीर रस नहीं था, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सामंती रस, सामंती व्यवस्था में जिस प्रकार से रस का चित्रण किया गया है उस प्रकार से इन्होंने रस का चित्रण नहीं किया था। इन्होंने किस प्रकार से किया था? इन्होंने रस का चित्रण किया था महाकाव्यात्मक आधार पर, यानी पुराने समय में जो महाकाव्यों की रचना हो चुकी है वो किस प्रकार से रस चित्रण करती है, किस प्रकार से वीर भावना का चित्रण करती है, उसका वर्णन इन्होंने किया था, उसी प्रकार से वीर रस का चित्रण किया था। तो सामंती व्यवस्था को तो इन्होंने बिल्कुल ही नकार दिया था, उनकी उपेक्षा इन्होंने बिल्कुल कर दी थी। तो यहाँ पर अपनों ने देखा जातीय चेतना, और जातीय चेतना में संत लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने जातीय चेतना के लिए ही तो वीर भावना, वीर भावना का सहारा लिया जातीय चेतना का, क्योंकि उनकी सामंती व्यवस्था की वीर भावना को नकारा, तो जाहिर सी बात है कि इधर चेतना हुई, इधर इन्होंने भी ग्रंथ लिखे जो मराठी थे, इधर ये भी संघर्ष कर डाला, तो इसलिए जातीय चेतना में संत साहित्य की अहम भूमिका थी। तो आज की क्लास में अपनों ने नारी का देखा है, तो नारी से संबंधित आप नारियों का स्थान, महिलाओं का स्थान, ये पॉइंट बना लेंगे। और इसके साथ साथ अपनों ने भाषा देखा है, तो भाषागत स्थिति इस नाम से पॉइंट बनाकर लिखेंगे। और इसके साथ साथ जातीय चेतना एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है यहाँ पर, तो जातीय चेतना के लिए भी इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था। और उसमें देनी कौन कौन सी चीजें हैं ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन और चीज भी यहाँ पर देख लेते हैं, और भी अपन देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजों को प्रमुखतया माना जा सकता है। देखिए, संत साहित्य का यदि आधार कहा जाए तो यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि संत साहित्य का आधार प्रमुख चार बातें थी, और वह भी किस से संबंधित? जातिगत से संबंधित। तो प्रमुख आधार है, और आधार कौन, कितनी चीजें हैं? चार चीजें हैं। कौन कौन सी? एक तो हिंदू, मुसलमान, मुसलमान का भेद मिटाने वाला ये साहित्य था। हिंदू मुसलमान का भेद मिटाने वाला ही कौन सा साहित्य था? संत साहित्य था। इसके साथ साथ जो धार्मिक कट्टरता थी, धार्मिक कट्टरता यानी एक व्यक्ति या एक संप्रदाय का व्यक्ति है वो अपने धर्म की कट्टर, अपने धर्म का कट्टर समर्थक था, यानी एक बहुत बड़ा समर्थक होता था। तो ये जो धार्मिक कट्टरता थी तथा दूसरे धर्मों के अनादर की भावना थी उसकी इन्होंने आलोचना की थी। तो धार्मिक कट्टरता की आलोचना की, और हिंदू मुसलमान जो आपस में भेदभाव करते थे, आपस में लड़ते रहते थे, उसका भी इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, इसके साथ साथ अपन बात करेंगे कि ये साहित्य है वो जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए लिखा गया था, या जाति प्रथा का भी इस साहित्य ने विरोध किया था। तीसरी बात ये होगी। और चौथी बात की यदि अपन बात करें तो चौथा पॉइंट यहाँ पर ये हो जाता है ऊंच नीच का भेद मिटाने वाला। तो ये चार प्रमुख आधार जातीय चेतना से संबंधित संत साहित्य के कहे जा सकते हैं। जातीय चेतना के लिए इन्होंने इस प्रकार के प्रयास किया।
किए थे। तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जातीय चेतना में ये पॉइंट्स डाल सकते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि धार्मिकता के संदर्भ में इनके ये विचार थे। तो यहाँ पर अपनों ने बहुत सी चीजें देखी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है शर्मा जी के निबंध में। आगे भी कुछ चीजें और देखेंगे परंतु अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।